नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप परमार और आप देख रहे हैं डीजे शक्ति। तो फ्रेंड्स, हमने जो है थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था स्ट्रेंजर का SM6 मिक्सर है, उसमें हम बोस का DD3 को कैसे लगा सकते हैं। लेकिन उसमें हमने क्या किया था, डायरेक्टली जो है इक्वल लगा दिया था एक चैनल में और उसमें जो है DD3 में एक माइक्रोफोन लगा दिया था। तो एक माइक्रोफोन में जो है DD3 की इफेक्ट आ गई थी, क्योंकि ये जो स्ट्रेंजर का SM6 मिक्सर है उसमें ना ही जो है ऑक्स आउटपुट दिया जाता है, फिर उसमें जो है ना ही सेंड रिटर्न का कोई ऑप्शन है, तो इसमें हम कैसे लगा सकते। तो हमने उसमें क्या किया था, डायरेक्टली एक माइक्रोफोन में जो है DD3 को लगा दिया था। लेकिन फिर मुझे जो है कमेंट आया कि पूरा जो स्ट्रेंजर का मिक्सर है हमारा SM6, उसमें सारी चैनल में जो है DD3 की इफेक्ट चाहिए, तो किस तरह से कर सकते हैं। तो यही जो है मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि हमारा जो पूरा SM6 मिक्सर है उसमें DD3 को कैसे लगाया जाता है, वो भी बगैर जो है सेंड रिटर्न के, बगैर जो है ऑक्स आउटपुट के। ठीक है, तो ये वीडियो जो है काफी यार इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एकदम जो एंड तक देखते रहिए और इस वीडियो को यार ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। आपके लिए यार हम वीडियो बनाते हैं इतनी मेहनत करके, तो आपका यार जो है सिर्फ यार 2 सेकंड लगेगा लाइक करने में। ठीक है, तो यार ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारी डीजे शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा स्ट्रेंजर कंपनी का SM6 मिक्सर। तो ये जो मिक्सर है हम बेसिकली छोटे मोटे प्रोग्राम्स में ही लगाते हैं, जैसे 2 बॉक्स हो गए, 4 बॉक्स हो गए, या फिर ज्यादा से ज्यादा 6 बॉक्स हो गए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लेफ्ट और राइट 2 आउटपुट दिए गए होते हैं, तो आपको जो लेफ्ट वाला जो आउटपुट है वहां से सेटअप लगा देना है। ठीक है, तो यहां से मैंने एक जैक टू जैक लगाया, वो जा रहा है हमारे एम्पलीफायर में, और वो एम्पलीफायर में से 2 मॉनिटर कनेक्ट किए हुए है। ठीक है, तो अभी मान लीजिए आपको 4 मॉनिटर लगाने हैं, तो यहां से जो आउटपुट गया पहले एम्पलीफायर में, और पहला जो एम्पलीफायर है वहां से आपको दूसरा एम्पलीफायर कनेक्ट कर देना है। ठीक है, और उसमें से बाकी 2 मॉनिटर लगा देने हैं, तो हो गए 4 मॉनिटर। अभी मान लीजिए आपको 6 बॉक्स लगाने हैं, तो यहां से गया पहले एम्पलीफायर में, पहले एम्पलीफायर में से दूसरा एम्पलीफायर कनेक्ट है, और दूसरे एम्पलीफायर में से आपको तीसरा एम्पलीफायर भी कनेक्ट कर देना है, तो आपके जो 6 बॉक्स आराम से चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको कनेक्शन करना होता है। तो हमारे यहां पर जो है राइट वाला आउटपुट बच जाता है। ठीक है, तो हमने जो है इससे पहले वीडियो में सीखा था वो किस तरह से किया था, यहाँ पर जो आउटपुट है यहाँ से जैक निकालकर यहाँ पर किसी भी चैनल में हमने लगाया था। ठीक है, मान लीजिए ये चैनल में हमने लगाया था और यहाँ पर एक माइक्रोफोन लगा दिया था, तो वो जो है एक माइक्रोफोन में DD3 की इफेक्ट जो है आ गई थी। लेकिन भैया, हमें तो यहाँ पर सभी चैनल में जो है DD3 की इफेक्ट चाहिए, तो वो किस तरह से करना है, तो यार एकदम सिंपल है, काफी सारे लोगों को पता भी होगा और काफी सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। तो यहाँ पर हमारे पास राइट वाला आउटपुट बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक जैक लगा देना है, और ये जो जैक है वो यहाँ पर हमें इनपुट कर देना है DD3 में। ठीक है, यहाँ पर इनपुट कर देना है और एक जैक और ले लेना है। ठीक है, तो ये जो है आउटपुट यहाँ पर लिखा है DD3 में, आप देख सकते हो ये जो जैक है वो यहाँ पर लगा देना है, और अभी ये जो जैक है वो यहाँ पर किसी भी एक चैनल में आपको इनपुट कर देना है। तो मान लीजिए ये जो 6 नंबर की चैनल है, यहाँ पर मैं इसको इनपुट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जो DD3 है वो इसमें कनेक्ट हो चुका है, तो चलिए अभी इसकी करते हैं टेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को यहाँ से छोड़ के मत जाना, एकदम एंड तक देखते रहना, इसकी सेटिंग जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक माइक्रोफोन लगा दिया है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, तो सबसे पहले इसमें जो है इनबिल्ट इको आता है, तो ये जो ब्लू वाले वॉल्यूम है ये सबको यहाँ से जो है बंद कर देना है। ठीक है, तो ये जो है सारे वॉल्यूम यहाँ पर बंद है, क्योंकि हमने जो है यहाँ पर DD3 लगाया, तो हमें जो है DD3 की ही इफेक्ट चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक माइक्रोफोन लगा दिया है, आप देख सकते हैं, तो अभी हम यहाँ से बोलेंगे। ठीक है, हेलो चेक चेक चेक, हेलो चेक चेक वन चेक, हेलो चेक चेक। तो अभी आप सुन पा रहे हो ये जो है हो गया, लेकिन इसमें इफेक्ट नहीं आ रही। तो हमने जो है यहाँ से आउटपुट निकाला और यहाँ पर DD3 को इनपुट किया है इस वाली चैनल में। तो यहाँ पर सेटिंग क्या करना है, सबसे पहले गेन जो है इसका वो आपको एकदम बंद कर देना है। ठीक है, फिर इसमें जो है लो है तो इसको जो है आपको आधा रखना है, फिर ट्रिबल आता है तो उसके इसको भी जो है आधा खोल देना है। ठीक है, मतलब 50-50% जो है दोनों को रखना है एकदम बीच में। फिर यहाँ पर पेन, यानी कि जो है इस साइड करोगे तो लेफ्ट होगा, इस साइड करोगे तो राइट होगा,
तो इससे जो है हमें एकदम बीच में रख देना है। और ये जो ब्लू वाला ओलियम है वो इस मिक्सर के इको का है, तो इसको तो जो है बंद ही रखना है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने इको लगाया है तो इको का यहाँ से जो है ओलियम हमें खोलना है, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है इतना सा ओलियम खोलेंगे, ठीक है, 25% या फिर 30%, ठीक है। फिर जो है हमको जो है ज़्यादा चाहिए तो यहाँ से थोड़ा हम जो है बढ़ाएंगे। अभी हम जो है इतना रखते हैं, तो अभी हम यहाँ से जो है माइक्रोफोन में बोलेंगे, हेलो 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 हेलो। तो जैसे कि आपने सुना, हमारा जो DD3 का इफेक्ट है वो इस चैनल में आ चुका है, तो ये जो है सभी चैनल में आ जाएगा इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है दूसरी चैनल में लगाते हैं, तो यहाँ पर अभी जो है दूसरा चैनल का वॉल्यूम खोलते हैं। हेलो 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 हेलो। तो अभी जो है कुछ लोगों के मन में यह हो रहा होगा कि हमने जो है सारी चैनल में लगा दिया इको, तो अभी भैया तबले वाले को माइक्रोफोन देना है, हारमोनियम को देना है, तो उसमें थोड़ी ना इको चलेगा, उसमें थोड़ी ना इको की इफेक्ट देनी है। तो रुको रुको भैया, उसका भी जो है सोल्यूशन यहाँ पर निकल रखा है। तो मान लीजिए ये हमारा माइक्रोफोन है, ठीक है, अभी इसमें इको की इफेक्ट आ रही है। तो अभी इसमें इको की इफेक्ट ना आए, मान लीजिए ये जो है सिंगर को दिया, ये जो है तबले वाले को देना है, तो यहाँ पर ये जो पेन का होलियम है, ठीक है, व्हाइट कलर का, हमने सेटअप किस में से लगाया, लेफ्ट में से, इको किस में से लगाया, राइट में से। तो भैया ये जो पेन का ओलियम है उसे हमें लेफ्ट साइड कर देना है, ठीक है, लेफ्ट साइड। तो इसमें अभी जो है इको की इफेक्ट नहीं आएगी, तो अभी आप जो है सुनिएगा। हेलो चेक वन, हेलो चेक वन, माइक टेस्ट, हेलो चेक चेक चेक, हेलो चेक चेक चेक। तो अभी आपने सुना इसमें इको की इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो आपको क्या करना है, जिसको भी यार इको चाहिए उसके जो पेन के ओलियम है वो आपको बीच में रखने हैं। मान लीजिए ये दो माइक्रोफोन है, ठीक है, ये दोनों माइक्रोफोन हमारे सिंगर के हो गए, तो उसमें आपको जो है पेन को एकदम बीच में रखना है, ठीक है। तो इन दोनों में जो है DD3 की इको की इफेक्ट आ जाएगी। और मान लीजिए ये चैनल में जो है तबला वाला है, तो ये जो है इसका ओलियम आपको लेफ्ट साइड कर देना है, क्योंकि हमने यहाँ से सेटअप लेफ्ट में से लगाया है, ठीक है। तो ये जो है लेफ्ट साइड कर दीजिए, तो इसमें इको नहीं आएगा। ये माइक्रोफोन तबले वाले को दे दीजिए, इसमें मान लीजिए हारमोनियम लगाया है या फिर कीबोर्ड लगाया है, उसमें भी हमें इको नहीं चाहिए, तो यहाँ से इसको जो है लेफ्ट कर दीजिए, इसमें भी इको नहीं आएगा। यहाँ पर और कोई इंस्ट्रूमेंट लगाया है, मान लीजिए पेड लगाया है, तो यहाँ से इसको लेफ्ट कर दीजिए, इसमें भी इको नहीं आएगा। ये दोनों हो गए इको वाले, ये हो गए विदाउट इको वाले। और इसके अलावा ये जो है आपको ज्यादा वॉल्यूम नहीं खोल देना है, ठीक है, इको का, वरना क्या होगा यार, ज्यादा जो है रिपीट रिपीट आ जाएगा और जो है विसल की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से जो होगा, तो आपको क्या करना है, इसको जो है इतना सा ही खोलना है, 30% से 40% तक आप जो है ज्यादा से ज्यादा खोल सकते हैं, ठीक है, 30% तक जो है हो जाएगा। और इसका गेन तो एकदम यार बिल्कुल बंद ही रखना है, ठीक है। हेलो 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 हेलो। तो ये जो है हमारी इफेक्ट इसमें आ चुकी है, और इसी तरह से आप जो है DD3 को इस मिक्सर में लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि हम लोग जो है आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, तो उसमें जो है काफी टाइम लगता है, काफी मेहनत लगती है, तो आपका सिर्फ यार 2 ही सेकंड लगेगा लाइक करने में। तो ज्यादा से ज्यादा यार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारी DJ शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो ये सब जो यार फ्री होता है, ठीक है, लाइक करना फ्री होता है, शेयर करना फ्री होता है, सब्सक्राइब करना फ्री होता है, तो यार आपको जो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो यार ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना। और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए और वहां पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर भी जो है मैं नए नए वीडियोस डालता रहता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आप रखना अपना ख्याल, टाटा बाय बाय, थैंक यू।